वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज अभी निशान निकाली है, तीसरा रोज़ा है कोई। उस कल दूसरा रोज़ा था, जब था तब मैं बीमार हो गया था, तभी सब्जी सेट नहीं थी तो मैंने व्लॉग कोई नहीं किया। तो आज का व्लॉग ही वैसे निशान के साथ शुरू हो रहा है, तो कोशिश करते हैं इसे निशान से ही रिलेटेड रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार अभी मरी रोड की तरफ निकल रहे हैं, एक चक्कर लगाते हैं और फिर से कार जाके खड़ी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से से चलाया नहीं है। मैंने ही जाके चक्कर लगाते हैं। ओ स्कूटर है भाई, असल में आपको मैं बताऊँ तो गाड़ी हमने की थी गैस पे इसकी सेटिंग नहीं सही बनी, घुट घुट के चल रही है काफ़ी, और गैस पे एवरेज माशाल्लाह कोई नहीं दे रही है गाड़ी, तो इसकी सेटिंग भी बहुत जल्द करानी है गैस पर। अभी खैर जैसे है वैसे ही चला रहा हूँ। मेन रोड पे हम पहुँच गए हैं, मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, वीडियो जैसी भी आए गुजारे के लिए आप देख लीजिएगा। पटाखे सुनते हैं ना इसके, हाय हाय मजा। एक मिनट, मज़ा नहीं आ रहा यार पटाखे सुनने का, ऐसे पॉप्स एंड बैंक सुनने का। मज़े की बात है गाड़ी जब गैस पे होती है तो उसके पॉप्स एंड बैंक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो गैस की कम्बस्चन और पेट्रोल की कम्बस्चन में हो सकता है थोड़ा फ़र्क हो, और गैस की सेटिंग भी आउट हुई हुई है, तो हो सकता है इस वजह से ज़्यादा पटाखे की देरी हो। अब फूटना शुरू हो गया, पता नहीं यार इसकी गैस को क्या हुआ है। गाड़ी दो तीन बार काफ़ी एकदम से रोड पे बंद हो गई, मेन स्टार्ट करता था वापस बंद हो गया हो जाती थी, तो इसे मैंने पेट्रोल भी कर दिया है। पेट्रोल पे आप इंजॉय करें, अभी पैसे भी मेरे पास खैर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े कि मैं इसमें हार्ड किस्म का पेट्रोल डाल सकूँ, थोड़े बहुत हैं थोड़े बहुत पैसों के लिए हम इसमें थोड़ा बहुत ही पेट्रोल डाल लेते हैं, लीटर पेट्रोल डालते हैं, 300 रुपये का पेट्रोल काफ़ी होगा। और पेट्रोल पंप पे जाके या एक मानना मेरा ये कि चुपचाप घर जाते हैं, गाड़ी ने चार्ज का साइन दिखाया है, इसकी बैटरी हैंकी पैंकी थोड़ी बहुत कर दी है, देखते हैं यार पेट्रोल डाल देते हैं, इसमें पेट्रोल डालना मस्ट है। पेट्रोल डालने के बाद फिर वैशी मांडा भी आपको दिखाएंगे इस गाड़ी का, क्योंकि फिर गाड़ी पेट्रोल पे हो गया गैस पे, हमने पटाखे सुनने के चक्कर में गाड़ी को पसंद नहीं है। तो यार गाड़ी में मैंने 300 का पेट्रोल डाला है, क्योंकि घर के हम करीब ही थे और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे, हमने रिस्ट्रिक्टर उतार दिया, गाड़ी है पेट्रोल पे। आप मैं मोबाइल किधर सेट करूँ मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही यार, मोबाइल को वैसे इस तरह करें, इधर रखेंगे तो इधर से गिर जाता है, इधर रखेंगे, इधर से नहीं गिरेगा, उम्मीद है कि इधर से नहीं ही गिरेगा, उम्मीद तो पूरी है। साथ एक काम करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टर भी रख देते हैं, अब नहीं गिरने लगा मोबाइल, और हम वैशी मांडा मारते हैं इसमें आप माने रखें, फिर हम साथ इस गाड़ी में सीट बेल्ट्स नहीं है तो वो लिखानी भी यार इसके
इस इशू को भी सॉल्व करना है। पेट्रोल पे इस गाड़ी को जितना चलाने का मज़ा है, गैस अगर गैस पे इसकी एवरेज सेट होती है ना, ये गैस पे 1500 की एवरेज देती है क्योंकि 1300 सीसी इंजन है, तो मज़ा आएगा। अगर ये गैस पे एवरेज नहीं देती तो फिर इसे गैस पे चलाने का रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं है भाई। गाड़ी को इंजॉय करना मकसद है मेरा। फिर कैमरा गिर गया यार, गाड़ी के जो है ना पिछले स्प्रिंग्स वो ढीले में हार्ड, जिसकी वजह से गाड़ी करती है बाउंस, तो स्टैटिक हो जाती है ऊंची हाइट में भी। शॉक्स पिछले रिपेयर हुआ होता है तो उस वजह से ये कैमरा झटका जो अक्सर ज़्यादा जोर का लगता है ना, तो उसकी वजह से मोबाइल हमारा गिर जाता है। यार कुछ स्टैंड इसका भी जुगाड़ लगाते हैं कि हमारा पूरा फोकस ड्राइविंग और वीडियो भी बन जाए, एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से गाड़ी चलाने वाला काम ना ही हो। इस टाइम तो रश इतनी बन गया, सुकून लाइफ स्टाइल से हम जा रहे हैं। मंडे के लिए चाहते तो हम मिसिंग करती हुई गाड़ी में भी घर जा सकते थे बिल्कुल आराम आराम से चलाते। अब जब वैशी मंडे के लिए पेट्रोल डाला है तो वैशी मंडा भी मारना पड़ेगा। ये कोई यार पागल है, क्या कहते हो मेरी रोड पे वैशी मांडा मारा जाए या डबल रोड पे मारा जाए, दोनों ही तकरीबन हमें एक जितना पड़ेंगे। डबल रोड पे ये है कि शायद रश हो, शायद हाँ मेरी रोड पे है कि वैशी मांडा थोड़ा लंबा पड़ जाता है, डबल रोड पे है कि इतना बड़ी रोड नहीं है वो जिस पैच पे मैं जाना चाह रहा हूँ। पहले यू टर्न से बोल दी राम राम से अभी तो फिर वक्त रश है, ये हो सकता है आपको एवरेज निकालनी है ये गाड़ी के तीसरे गियर में। ओ भाई साहब ये गाड़ी की चौथे गियर पे करना, फिर हमारा डिग गया और ये पांचवा गियर नहीं डाल रहा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, चाहे तो आप पांचवे गियर भी डाल सकते हैं और इस तरह आप गाड़ी अच्छी एवरेज देती है। जिस तरह अमूमन मैं चलाता हूँ क्योंकि मैं इस गाड़ी को निकालते ही कम हूँ, तो मेरी वो हैबिट बनी है कि जब मैं इसे निकालता हूँ तो मैं सही मांडा मार दो एक आठ, इस तरह आपकी एवरेज आएगी। मैं कैमरे को प्रॉपर सही तरह जुगाड़ लगा के सेट करूँ, हमने कैमरा सेट कर लिया और वैशी मांडा मारने जा रहे हैं हम। ये गया तीसरा गियर और ये गया
इतना मज़ा नहीं है यार। अरे बाइक वाला पता नहीं क्या कर रहा है। ये भी खाली दूसरा गियर है, दूसरे गियर पे। नहीं आया यार। चलो हमने दूसरा गियर बिल्कुल मामूली सी 5% हमने दूसरा गियर एंजॉय किया। ओप्स, यार रश क्यों है, रश क्यों है? ये रश ना होती तो बहुत मज़ा आता। और हाँ, रश के साथ साथ अगर ये मोबाइल भी बार बार ना गिरता था तो फिर मुझे हर 2 सेकंड बाद मोबाइल सीधा करके रखना पड़ता था। चलो यार मैं बंद करता हूँ, जब मोबाइल हम वापस आके रख देते हैं। इस गाड़ी पे जब भी रज के मांडा मारा है ना, तो मैंने आज तक उसकी वीडियो जब मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आपका सारा कंसंट्रेशन पे वीडियो बनाते हुए होता है। और ओ यार क्या मसला है, ड्राइव करते हुए आपका कंसंट्रेशन नहीं होता। तो यार मैं घर जाके पहुँचता हूँ, वीडियो को हम ये भी एंड करते हैं, बाकी जो आगे पार्ट होगा वो आप देख लेंगे। गाड़ी वाला पार्ट नहीं था।